हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल रेनेडियम ब्लॉक्स में फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, पता है हम आपके लिए नया स्टिकर लेके आते रहते हैं, उसी प्रकार फिर हम आपके लिए एक अच्छा एक मस्त रेडियम स्टिकर लेके आए हैं, जो आपको ट्रेंडिंग में सब में ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जिसका उपयोग हर व्यक्ति कर रहा है। जो व्यक्ति कार चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, ट्रक चला रहा है, वो सभी व्यक्ति उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम हमारे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, मतलब जो भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप चलाते हो उस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। आने के बाद आपको एक हम बताएंगे यहाँ डीजल का स्टिकर बनाना। डीजल का लोगो आजकल हर जगह चल रहा है, हर कोई उपयोग कर रहा है। जितनी भी कार हैं, जितनी भी डीजल वाली कार हैं, उन सभी पर डीजल का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और आजकल CNG और डीजल तीनों मिक्स कार आ रही हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपनी कार पे उसका चिन्ह लगवा रहा है, जिससे कि उसमें कोई ख़तरा ना हो, अदरवाइज़ पेट्रोल की गाड़ी में डीजल ना चला जाए और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल ना डाल दिया जाए। इस प्रकार आज हम बताएंगे आपको नॉर्मल तरीके का जो आजकल व्यक्ति मांग रहा है वो डीजल का लोगो, तो आपको किस तरीके से बनाना है और उसको आप किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले आप अपने फ्लेक्सी जो भी चला उसको कर लेना ओपन। इसके बाद आपको ले आना है, इस पर टाइप करना है आपको डीजल। तो डीजल की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? DIESEL। यहाँ पे हमने डीजल टाइप कर दिया है। डीजल टाइप करने के बाद फिर आपको इसको करना है थोड़ा बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिख दिया डीजल, यहाँ पे हमने एक शब्द स्मॉल लिखा है, तो आपको इसको कैपिटल कर लेना है। यहाँ पे हम इस डी को कर लेते हैं कैपिटल। देख सकते हो यहाँ पे हमारी वही डीजल लिखा। अब इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इसको देना है फॉन्ट। तो साइड में आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं पर भी इसको देना है फॉन्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी हमारे पास फॉन्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉन्ट हमारे पास हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छी लगे, आपके ग्राहक को अच्छी लगे, उस फॉन्ट में आपको निकाल देना है। तो आपको ढूंढना है वो फॉन्ट जो आपके ग्राहक को अच्छी लगे। यहाँ पे हम ये नॉर्मल फॉन्ट में निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वो नहीं दे रहेंगे। यहाँ पर हम इसी वाली फॉन्ट में निकालेंगे, ये वाली फॉन्ट भी अच्छी है और ये वाली अच्छी, हम इसी को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी जो भी है कार आई हो उसकी आपको ढक्कन रहता है उसका डीजल डलता है उसमें, उसकी साइज नाप लेनी और उसके हिसाब से आपको लोगो तैयार करना था। यहाँ पर हम 6 इंची का लोगो तैयार कर रहे हैं, 6x2 का यहाँ पर हम लोगो तैयार कर रहे हैं। तो आपको फिर इसको आप कटिंग वाले ऑप्शन में कर देना है टच। जैसे ही आप कलर वाले ऑप्शन टच कर दोगे, यहाँ पे कटिंग के लिए हो जाएगा तैयार, कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मशीन पे चले जाना है। अपनी जो भी मशीन है, आपकी पोल्टर कटिंग मशीन रहती है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का रेडियम लगाया है। आप जिस भी कलर में आपका जो कस्टमर है उसको मांगता है उस कलर में आपको उस कलर का रेडियम लगा लेना है। यहाँ पे हम ब्लैक कलर में इसको निकालने वाले हैं, तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर का रेडियम हमने लगा दिया। रेडियम लगाने के बाद हम अब चलते हैं हमारे उसी लैपटॉप पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ जाने के बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिल जाता है नीचे ही, और आपको सेंड वाले पर टच कर देना है। जैसे आप सेंड वाले पर टच कर देते हो, तो यहाँ पर मशीन आपकी कटिंग करने लगती है। देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी मशीन कटिंग कर रही है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कटिंग की जा रही है मशीन के द्वारा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम भी। देख सकते हो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम आपको बता देते हैं कटिंग किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल लिया और देख सकते हैं हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसको निकाल के बताएंगे। तो निकालने से पहले हमको चाहिए एक टैप और एक चाहिए कटर, तो हम उसको हम लेने जा रहे हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हो हम ये ले आए टैप और ये ले आए हम कटर, जिससे हम निकालेंगे कटर से और इसके बाद यहाँ पे हम टैप लगाकर इसको किसी गाड़ी या कार पे इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं, तो निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, इसके गनमन जो भी रेडियम की है उसको एक छोटी सी बॉर्डर टाइप की दे देना है, जिससे कि और भी आसपास का रेडियम ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया है, अब इसको आराम आराम से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, कोई भी जल्दबाजी आपको यहाँ पे नहीं करनी है, जिससे कि आपका रेडियम स्टिकर ख़राब हो। आपको इसको निकाल लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमारा डीजल स्टिकर निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये निकलने के बाद। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी और आराम से इसको आपको निकाल लेना है, हमने भी इसको निकाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लगाने वाले हैं टैप। तो देख सकते हो हमारा टैप है, इसको हम इस पर टैप लगाएंगे इस तरीके से। तो हम इस पर टैप लगा के हमको बताएंगे आपको। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमने टैप लगा लिया है, ये देख सकते हो हमने टैप लगा लिया है। अब आपको इसको निकालना है, इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद जिस जगह भी आपको लगाना है उस जगह पे आपको लगा देना है। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको इस तरीके से, इस मान के चलो कि हमारी गाड़ी के ढक्कन है, हमने इस पर इस जगह लगा दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रख देना है, आप दोनों हाथ का उपयोग करके ही स्टिकर को लगाएं, जिससे कि ख़राब ना हो। यहाँ पर हम एक हाथ से लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक हाथ से हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आराम आराम से इसको इस तरीके से आपको चिपका देना है। यहाँ पे हमने देख सकते हो ये लगा दिया है, इस तरीके से आपको टैप लगाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ से टैप को निकाल देना है। यहाँ पे आप कागज़ है तो यहाँ पे नहीं निकलेगा टैप, तो यहाँ पे आप जिस जगह लगाओगे वहाँ पे बहुत आसान तरीके से टैप निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छी तरीके से आसान तरीके से रेडियम का एक डीएल वाला स्टिकर बनाना सीख लिया होगा। तो वीडियो कर दी लाइक और हमारे कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नए स्टिकर के साथ।